हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा फंटास्टिक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे रूल बताऊंगा, कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताऊंगा जिनको जानने के बाद इंग्लिश बोलने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, चाहे आप ग्रामर सीख रहे हों या स्पीकिंग सीख रहे हों। आज मैं आपके लिए बताऊँगा यूज ऑफ एज वेल, इवन, आइदर, टू, आल्सो। इन सभी का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट इनको यूज़ करने में गलतियाँ करते हैं, तो इनका सही यूज़ क्या रहेगा उनको हम अच्छे से देखेंगे। अगर आपने अभी तक तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल द्वारा जो भी वीडियोस आती हैं उनका कोई भी चार्जेस नहीं जाता है। चलिए आज हम सीखेंगे यूज ऑफ आल्सो as well to even either ठीक है। आज हम किसका यूज सीखेंगे? यूज ऑफ आल्सो, एज वेल, टू, इवन, आइदर। क्या आपको पता है इन सभी का मतलब हिंदी में क्या होता है? भी होता है। जब भी वाक्य में भी का अर्थ आता है हमें सभी का यूज करते हैं। हमें कब करना है और किस तरह के वाक्यों में करना है, कैसे करना है, उन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत में आप बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इनका यूज करना आसानी से समझ जाएंगे, कोई भी किसी भी तरह का अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए इन सभी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? भी, ठीक है। इन सभी का मीनिंग क्या होता है? भी। अब हमें कब आल्सो का यूज करना है, कब हमें एज वेल का यूज करना है, कब हमें टू का यूज करना है, कब हमें इवन का यूज करना है, कब हमें आइदर का यूज करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। पहले हम देखेंगे also as well to, ठीक है। also as well to, इन सभी का प्रयोग हम कब करेंगे? इनका हम प्रयोग करते हैं पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस के साथ, ठीक है। आल्सो एज वेल टू, इन सभी का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव मीनिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस साथ इसका प्रयोग करते हैं और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस साथ इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या है हमारा इवन, इसका प्रयोग हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं, ठीक है। इवन का प्रयोग कब होता है? इवन का प्रयोग हम करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस साथ, ठीक है। आल्सो एज वेल टू का प्रयोग होता है पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस साथ, इवन का भी यूज होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस साथ। आइदर का यूज हम कब करते हैं? आइदर का देखते हैं, आइदर का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस साथ, नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव साथ,
ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, आल्सो एज वेल टू इवन आइदर, इन सभी का हिंदी मीनिंग होता है भी, जब भी वाक्य में भी का अर्थ आएगा हम इन सबका यूज करेंगे, कब करेंगे, आल्सो एज वेल टू, इनका प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस साथ और इंटरोगेटिव सेंटेंस साथ, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस साथ इसका यूज करेंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस साथ का प्रयोग हम करेंगे। अगला क्या होता है इवन का, इवन का यूज हम कब करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस साथ और नेगेटिव सेंटेंस साथ, ठीक है। आइदर का यूज हम कब करते हैं, या तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, इनके साथ इसका यूज हम करते हैं। तो इतना आपको लगता है समझ में आया होगा। चलिए हम अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हम किस प्रकार से यूज करके हम करेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, तुम भी एक अच्छे खिलाड़ी हो, ठीक है, तुम भी एक अच्छे खिलाड़ी हो, भी का मीनिंग आया। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम आल्सो से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अब बनाने से पहले आपको कुछ ये बता दे रहा हूँ कि हमें किसका प्रयोग किस किस स्थान पे करना है, ठीक है। मैं आपको सेंटेंस बनाने से पहले उसकी पोजीशन बता दूं किसका यूज हमें कहाँ करना है। देखिए, पहले बताऊंगा आपके लिए मैं आल्सो, आल्सो का यूज हम कब करेंगे, आल्सो का यूज हम वाक्य के बीच में करते हैं, कब करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, से पहले, ठीक है। आल्सो को हम कब करेंगे, वाक्य के बीच में करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, अगर मेन वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेन वर्ब से पहले होगा प्रयोग, ठीक है, इसे याद रखना। अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब नहीं होगी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया किसको वाक्य के बीच में करेंगे, कब करेंगे, वाक्य के बीच में, ठीक है। इवन का प्रयोग वाक्य के शुरू होगा, ठीक है, इवन का प्रयोग वाक्य के शुरू में होगा। अब बात होती है एज वेल टू आइदर, इन सभी का प्रयोग वाक्य के अंत में होगा, कब होगा, वाक्य के अंत में, ठीक है। ध्यान रखना पोजीशन मैटर करती है कि हमें किसका यूज कहाँ करना, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, हम आल्सो का यूज करेंगे वाक्य के बीच में, हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले, इवन का यूज होगा वाक्य के शुरू में होगा, सबसे पहले इसका प्रयोग होगा, एज वेल टू आइदर, इन सभी का यूज कब होगा, वाक्य के अंत में होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे इसे बनाना है। तुम भी एक अच्छे खिलाड़ी हो, पहले मासो बनाते हैं, यू आर आल्सो ए गुड प्लेयर। देखिए यहां पर हमारी मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब पर लगा दिया है, तुम भी एक अच्छे खिलाड़ी हो, यू आर आल्सो अ गुड प्लेयर, ठीक है।
यू आर ए गुड प्लेयर एज वेल, ठीक है, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हम इसको और भी तरह स्विच करेंगे। यू आर ए गुड प्लेयर टू, ठीक है। एक और तरह का यूज करेंगे हम, इवन यू आर ए गुड प्लेयर, ठीक है। हमने चार तरह समझा लिया, क्योंकि बताया था आपको आल्सो एज वेल और टू, इन सभी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस साथ होता है, साथ में इवन का प्रयोग भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस साथ होता है। ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव, इसलिए चारों का यूज किया, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करेंगे आइदर का, आइदर का यूज हम कब करेंगे, तुम एक अच्छे, तुम भी एक, तुम भी एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, ठीक है, तुम भी एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। देख लीजिए नेगेटिव आ गया, यू आर नॉट अ गुड प्लेयर आइदर, ठीक है, तुम भी एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, You are not a good player either. तो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।